वेलकम एवरी वन इन यूर टू फिजिक्स क्लास इन टू टू क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेन इन प्रीवियस सम क्लासेस वी आर डिस्कस अबाउट एक्सेलेषन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेशन दैट इज पॉजिटिव एक्सेशन नेगेटिव और रिटार्डेशन एंड जीरो एक्सेशन सो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन बट इसे स्टडी करने से पहले हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिवाइज करते हैं। वॉट इज द यूनिफॉर्म मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्टेंस कवर करता था टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि जैसे टाइम चेंज होता था वैसे डिस्टेंस भी इक्वली ही वो चेंज करता था लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है लेट्स सी यूनिफॉर्म मोशन सी द डेफिनेशन velocity इज़ इंक्रीज by इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि velocity क्या होगी टाइम के इक्वल इंटरवल में क्या होगी चेंज होगी यानी कि जब टाइम फाइव सेकेंड से यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी सपोज़ टेन uh, या कुछ तो होगी तो जैसे टाइम चेंज होगा उसकी वेलासिटी चेंज होगी सपोज़ ट्वेंटी कर दी अगेन फाइव सेकेंड के बाद उसने फिर से उसकी वेलासिटी चेंज कर दी फिर थर्टी की तो यानी कि वो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे तो यानी कि एक्सेलेशन क्या होगा वहाँ पे यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे एक्सेलेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेशन इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू तो स्टडी करते हैं See. अब यहां पे ए इज इनिशियल पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट है बी सी डी यहाँ पे दिया है और एक टाइम टेबल दिया है तो देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपकी कार है ए पॉइंट पे सपोज़ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड यानी कि कुछ टाइम बाद फिफ्टीन सेकेंड बाद इस कार ने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी टेन से कितनी की है ट्वेंटी की है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अगेन फिफ्टी आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड चेंज द वेलोसिटी वेलासिटी ट्वेंटी टू थर्टी से मीटर पर सेकेंड फिर फिफ्टीन सेकेंड के बाद उसने कितनी की है थर्टी सेकेंड अगेन आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड उसने थर्टी से कितनी चेंज किए फोर्टी मीटर पर सेकेंड यानी कि जैसे टाइम इक्वली चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में भी इक्वल इंटरवल में भी चेंज आ रहा है फिफ्टीन 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 सेकेंड के बाद वो इक्वल इंटरवल में उसका चेंज कर रही तो इसका एक्सेलेशन कितना आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ट्वेंटी माइनस टेन देखिए यहाँ पे एक्सेलेशन ए वन कंसिडर करते हैं ट्वेंटी माइनस टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन सो ट्वेंटी माइनस टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन कितना आएगा पॉइंट सिक्सटी सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सेकेंड केस में यहाँ पे कितना आएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी थर्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फिफ्टीन कितना आएगा पॉइंट सिक्सटी सिक्स मीटर पर सेकेंड थर्ड केस में फोर्टी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी कितना आएगा पॉइंट सिक्सटी सिक्स पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी कि यहाँ पे एक्सेलेशन है वो क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है यूनिफॉर्मली आ रहा है तो ऐसे एक्सलेशन को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन जिसका एक्सलेशन जिस कार का एक्सलेशन क्या हो रहा है Constant ही आ रहा है यूनिफॉर्मली आ रहा है सो दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ए इसी की इनिशियल वेलोसिटी है सपोज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड आफ्टर फाइव सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दिए थर्टी मीटर पर सेकेंड अगेन आफ्टर फाइव सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दिए थर्टी से फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड यानी कि इक्वल इंटरवल में चेंज आ रहा है फिफ्टी से 30 फाइव सेकेंड में थर्टी से फोर्टी फाइव फाइव सेकेंड में तो एक्सेशन क्या आएगा फर्स्ट कंडीशन में ए वन क्या आएगा थर्टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल थर्टी माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फाइव कितना आएगा थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस केस में कितना आएगा ए टू में सेकेंड केस में फोर्टी फाइव माइनस थर्टी कितना आएगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एक्सेलेशन क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है यूनिफॉर्म आ रहा है तो ऐसे एक्सेलेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेशन यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम के इक्वल इंटरवल में उसकी वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलेशन लेट्स सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन की डेफिनेशन देखिए वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अब यहाँ पे क्या हो रहा है वेलॉसिटी अनईक्वल में अनईक्वल इंटरवल में चेंज कर रही है यानी कि रैंडमली चेंज कर रही हो ऐसा नहीं इक्वल इंटरवल में नहीं चेंज कर रही हो रैंडमली चेंज कर रही तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सी वही है ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे सपोज एक कार है ए का पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड तो बी पॉइंट पे जाने के बाद यानी कि फिफ्टीन सेकेंड कवर करने के बाद उसने उसकी वेलोसिटी में चेंज किए टेन से ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड सेकेंड अगेन फिफ्टीन सेकेंड अगेन आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड उसने वेलोसिटी में चेंज किया है 37 मीटर पर सेकेंड तो सी पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 37 मीटर पर सेकेंड फिर 15 सेकेंड के बाद उसने वेलोसिटी चेंज किए 55 मीटर पर सेकेंड यानी कि एक्सेलेशन क्या हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है टाइम के इक्वल इंटरवल में चेंज नहीं हो रही है. तो उसका एक्सेशन क्या आएगा फर्स्ट केस में क्या आएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन कितना आएगा वन मीटर पर सेकेंड केस में थर्टी सेवन माइनस पर इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्शन यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है तो ऐसे एक्सेलेशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेन टाइम तो इक्वली चेंज इक्वल इंटरवल में ही चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल में चेंज नहीं आ रहा है इसका एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट सी वही एग्जांपल है ए बी सी तीन पोजीशन है ए पे इनिशियल वेलोसिटी सपोज यू है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आफ्टर फाइव सेकेंड सपोज इसने इसकी वेलोसिटी चेंज की है फोर्टी या थर्टी थर्टी मीटर पर सेकेंड आफ्टर फाइव सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज की है फिफ्टी मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे पहले ट्वेंटी बाद में थर्टी फिर फिफ्टी यानी कि वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट भी चेंज हो रहा है लेकिन टाइम इक्वल इंटरवल में ही चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सलेशन कितना आएगा फर्स्ट केस में ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल थर्टी माइनस ट्वेंटी टेन डिवाइडेड बाई फाइव सो ए इज इक्वल्स टू आएगा फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और सेकेंड केस में कितना आएगा फिफ्टी माइनस थर्टी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड टाइम फाइव सो ए टू आएगा फोर मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो यहाँ पे फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आया यहाँ पे फोर मीटर पर स्क्र सेकेंड स्क्वेयर आया तो एक्सेलेशन क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं तो ऐसे एक्सेलेशन को हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन सो दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन थैंक यू